हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आई हूँ फिर से एक यूनिक और सिंपल रेमेडी के साथ। जी फ्रेंड्स, इस रेमेडी के थ्रू आप अपने एल्बोस, एंकल लेंथ, नेक लाइन, जो भी डार्क एरियाज हमारे बॉडी के हैं, उसे वाइटन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसे आपको सिर्फ महीने में दो बार यूज करना है और आपको विजिबल रिजल्ट दिखने लगेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं करूंगी आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरी चैनल पर न्यू हैं या आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर लेकर आती हूं ब्यूटी, फैशन, हाउस होल्ड रिलेटेड वीडियोस। अगर आपको इन चीजों में इंटरेस्ट है तो आपको मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। स्क्रब बनाने के लिए एक टीस्पून वैसलीन लीजिए, एक टेबलस्पून कोकोनट ऑयल लीजिए और एक टेबलस्पून ओट्स लीजिए। ओट्स को फिंगर्स की मदद से अच्छी तरह से क्रश कर लीजिए ताकि ये बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ में मिक्स कर लीजिए। इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करें ताकि एक प्रॉपर स्क्रब रेडी हो सके। हमारा स्क्रब रेडी है। अब इसे हम फिंगर टिप्स की मदद से जो भी हमारे डार्क एरियाज है वहाँ पे स्क्रब करेंगे 2 से 3 मिनट्स के लिए। वैसलीन पेट्रोलियम जेली सालों से यूज होती आ रही है। इसे नॉर्मली तो हम लिप्स को मॉइस्चराइज रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर वैसलीन हमारे डार्क पार्ट्स को भी रिपेयर, हील और मॉइस्चराइज करता है। कोकोनट ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज और फैटी एसिड होता है जो स्किन को क्लीन और इवन रखता है। ओट्स हमारी स्किन को रिपेयर करता है, इचिंग, रेडनेस और सनबर्न की प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। इस स्क्रब को स्टार्टिंग में हमें अल्टरनेट डेज यूज़ करना है और जैसे जैसे हमें रिजल्ट दिखने लगे हमें इसका इस्तेमाल कम कर देना है। दो से तीन मिनट की स्क्रबिंग के बाद इसे आप नॉर्मल वाटर या फिर टिश्यू की मदद से क्लीन कर दें। इस स्क्रब को आप हमेशा फ्रेश ही बनाएं। आप देख सकते हैं कि कैसे फर्स्ट टाइम यूज़ के बाद ही मेरी स्किन सॉफ्ट और स्मूथ दिख रही है और कैसे मेरी स्किन लाइटन हो रही है। आप इसे जब रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट और भी अच्छे मिलेंगे। क्रीम बनाने के लिए एक टीस्पून वैसलीन लीजिए, एक टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लीजिए और एक टेबलस्पून एलोवेरा जेल लीजिए। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। इस क्रीम को आप एक हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। सो हमारी क्रीम अब रेडी है। इसे हमें फिंगर टिप्स की मदद से सारे डार्क एरियाज में अप्लाई करके छोड़ देना है। इसे आप अगर रात को अप्लाई करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको एवरी नाइट बस इसे अप्लाई करना है और इसे अपना काम पूरी रात करने देना है। वैसलीन के बेनिफिट्स तो मैंने आपको पहले ही बताए हैं और ऑलिव ऑयल स्किन को वाइटन करने का काम करता है और स्किन को नरिश और मॉइस्चराइज रखता है। एलोवेरा में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपके स्किन के निखार को बढ़ाती है, डार्क स्पॉट्स को कम करती है और डर्ट को स्किन से दूर करती है। आपको इसे रात को लगा के रखना है और सुबह वॉश कर देना है। इसे अगर आप कंटिन्यू 1 महीने तक यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको इस क्रीम के रिजल्ट्स पहले ही वॉश में दिखने लगेंगे।
सो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर यहीं तक देखा है तो एक लाइक भी बनता है, प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे।